वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चक्रों पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह उस सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा, तब स्वामी उसे खोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वो बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। वे है मृत्यु, न्याय एवं कर्म का परिणाम। इस दुनिया में हम सभी लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है, वो है ईश्वर की इच्छा पूरी करना। ईश्वर की इच्छा यह है कि पिता परमेश्वर को और पड़ोसी को अपनी तरह प्रेम करना। जो व्यक्ति ईश्वर की इस आज्ञा का पालन करता है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलता है वे इस पुरस्कार से वंचित रह जाते हैं। स्वामी का आना या मानव पुत्र आना, इसका अर्थ है मृत्यु एवं न्याय। जागते रहना, इसका अर्थ है संसार में पवित्र जीवन जीना। ईमानदार बुद्धिमान कारिंदा वे है जो जीवित संत है, शुद्ध विचार एवं जीवन जीने वाले है। आइए हम अपने जीवन को टटोल कर देके और जीवन में सुधार लाइए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।